स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं द व्हील्स ऑफ टाइम के एपिसोड नंबर 1 को। यह हाल ही में वेब सीरीज है जो अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है, और इसमें हम देखेंगे एक मैजिकल दुनिया और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो फैंटेसी से भरी हुई है। और कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसको नॉवल से लेकर बनाया गया है, और इस स्टोरी के लिए 14 नॉवल्स लिखी गई थी और उस टाइम की सबसे पॉपुलर नॉवल में से एक थी। तो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फालतू की बात को हटाकर चलिए एपिसोड 1 को हम देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इसमें। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मॉरिन को दिखाते हुए, जो एक एसिड आई है। दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी इनकी होती है और इन्हें बहुत से मैजिक भी आते हैं जिसकी वजह से लोग इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। लोगों का मानना है कि एसिडाई जहां भी जाती है वहां पर कत्लेआम हो जाते हैं। मॉरिन हमें बताती है कि सदियों पहले एक फाइटर था जिसे लोग ड्रैगन कहते थे। उसकी मौत के बाद उसका फिर से 20 साल पहले पुनर्जन्म हुआ है। किसी को नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की, और उसे ढूंढना है ताकि अंधेरे के पिशाच जिसको इसमें डार्क खा गया है उसको मारा जा सके। मॉरिन अपने साथी लैन के साथ उस 20 साल के इंसान की खोज में निकल जाती है। रास्ते में उसे कुछ लेडीज दिखती हैं जो एक दोषी को मार रही है। यहाँ से हमें बताया जाता है कि इसमें गर्ल्स की पावर कितनी ज्यादा है। मॉरिन लैन के साथ एक गांव के लिए निकल जाती है जो दो नदियों के बीच में है। कहा जाता है कि इस गांव में 20 साल पहले 4 बच्चे जन्मे थे जो ड्रैगन की जन्म की भविष्यवाणी के टाइम ही जन्मे थे। दूसरी साइड हमें उसी गाँव का रहने वाला एक लड़का रैंड दिखता है जो कि अपने फादर के साथ शराब और रुई का व्यापार करता है। रैंड और इसके फादर गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक घर में रहते हैं, और ये लोग आज गांव जा रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई समारोह होने वाला है, तो इसलिए वहां पर शराब और रुई की जरूरत पड़ेगी। दूसरी साइड हमें उसी गांव की दो लड़कियां दिखती हैं। इसमें एक का नाम है वेनेवी और दूसरी का नाम है इग्वेन। आज इग्वेन को विदोषी बनाया जा रहा है। विदोषी बनने के बाद लड़कियों का सारा ध्यान भगवान में लगाना पड़ता है और शादी नहीं कर सकती। साथ ही ये हवाओं की आवाज भी सुन सकती है। अब रैन अपने पिता के साथ ढाबे में पहुंच गया है जहां इन्हें आना था। यहाँ हमें रैंड के दो फ्रेंड भी मिलते हैं जो इसी गांव के हैं। इसका नाम मैट है और ये एक चोर है। दूसरे का नाम पेरिन है और ये अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल जिंदगी जीता है। सब लोग खुशी से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि कल इनका एक फेस्टिवल होने वाला है। उसी ढाबे में मॉरिन और लैन आ जाते हैं। मॉरिन को देखकर सब यहाँ डर जाते हैं क्योंकि ये एक जादूगरनी है। मॉरिन यहाँ रहने के लिए रूम मांगती है और इसको यहाँ पर रूम दे दिया जाता है। फिर हमें पेरिन दिखता है जो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही खुशी से रहता है। और फिर हमें मैट की जिंदगी दिखाई जाती है जिसकी मॉम की तबीयत हमेशा खराब रहती है क्योंकि इसके फादर एक अच्छे इंसान नहीं है, और इसकी दो छोटी छोटी बहनें भी हैं जिनको पालने की जिम्मेदारी मैट के ऊपर ही है। फिर हमें रैंड और इग्वेन दिखते हैं जो कि साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रैंड बिल्कुल नहीं चाहता कि इग्वेन विदुषी बने क्योंकि विदुषी बनने के बाद रैंड इसके साथ शादी नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी फैमिली बना पाएगा। वहीं रात को मॉरिन और लैन हमें साथ में नहाते हुए दिखते हैं, और रात को गांव में हमें एक पिशाच दिखता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ये कौन है, कैसा है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह एक अच्छा दिन होता है। मैट चोरी की हुई चीजों को बेचकर अपनी बहनों के लिए दिए खरीद रहा है क्योंकि आज इनका फेस्टिवल होने वाला है। ये लोग लाइट की पूजा करते हैं। वहीं मॉरिन ड्रैगन की तलाश में नैनीव के पास चली गई है क्योंकि इसे लगता है कि नैनीव ही ड्रैगन है। पर नैनीव और मॉरिन की बातों से यहाँ पता चलता है कि नैनीव की उम्र 25 साल है और जिसे ये ढूंढ रही है उसकी उम्र अभी 20 साल होगी। अब मॉरिन पूरे गांव में ड्रैगन ढूंढती है। दूसरी तरफ पेरेन और रैंड मैट को कुछ पैसे देते हैं उसकी बहनों के लिए दिया खरीदने के लिए क्योंकि मैट बहुत ज्यादा गरीब है। लैन जंगल में पहुंच गया है जहां उसे दिखता है कुछ जानवरों को मार के किसी ने खा रखा है, और वो समझ जाता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। शाम के वक्त रैंड और उसके फादर गांव से वापस अपने पहाड़ी वाले घर में चले जाते हैं, और आज रात को सबकी फैमिली लाइट का फेस्टिवल मनाएंगी जैसे दिवाली होता है। रैंड अपने फादर को कहता है कि हमें गांव में ही रहना चाहिए था। गांव में सभी डांस कर रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। तभी इन पर कुछ क्रीचर हमला कर देते हैं। यहाँ ये लोग कत्लेआम कर देते हैं, और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्हें ट्रोलक्स कहा जाता है, और ये इनकी बहुत ज्यादा आर्मी लेकर आते हैं और काफी बड़ी आर्मी होती है इनकी। देखते ही देखते गांव के कई लोगों को ये लोग मार देते हैं। ट्रोलक्स अब रैन के घर पर भी पहुंच जाते हैं। यहाँ फाइट के दौरान रैन के फादर घायल हो जाते हैं, पर ये दोनों मिलकर ट्रोलक्स को मार देते हैं। गांव में मैट अपनी बहनों को लेकर जंगल में छुप जाता है, और यहाँ हमें मॉरिन का मैजिक देखने को भी मिलता है। मॉरिन मैजिक का यूज करते हुए ट्रोलक्स का फाइट करती है, पर ट्रोलक्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है। पेरिन अपनी वाइफ को बचाने के लिए ट्रोलक्स से फाइट करता है, और ट्रोलक्स को मारते मारते ही जोश में आकर पेरिन का जो हथियार होता है वो इसकी वाइफ के पेट में चला जाता है, जिससे इसकी वाइफ की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। फाइट के दौरान ट्रोलक्स नैनीव को खींच कर लेकर चले जाते हैं, और वहीं पर इग्वेन उसे देखती रहती है। सबको लगता है कि नैनीव को उन लोगों ने मार दिया,
पर हमें उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती है। मॉरीन भी घायल हो जाती है। लैन उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है फाइट करने में, पर इनके सामने ट्रोलोक्स की बहुत बड़ी सेना अगर खड़ी हो जाती है, मॉरीन अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई करती है और सबको फाइनली मार देती है। अगली सुबह रैन अपने घायल फादर को लेकर गांव आता है और यहां सबका इलाज किया जा रहा है। मॉरीन अपने मैजिक स्पेल से रैन के फादर को ठीक कर देती है। रैन कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, कल तुम आई और आज यहाँ पर ये सब हो गया। मॉरीन बताती है कि ये सब मेरी वजह से नहीं, तुम चारों की वजह से हो रहा है। मॉरीन ये भी बताती है कि डार्क, जिसे पिशाच कहते हैं, वो जाग चुका है और अब वो तबाही मचाएगा और उसको आने से कोई नहीं रोक सकता, पर उसे तुम में से कोई एक मारेगा जो ड्रैगन है, और इन चारों में है रैंड, इग्वेन, पेरिन और मैट। तभी लैन कहता है कि ट्रोलोक्स की बहुत बड़ी सेना गांव की तरफ आ रही है। मॉरीन ने अपने साथ व्हाइट टावर आने को बोलती है क्योंकि वहां पर मॉरीन की सिस्टर है जो कि एसिड आई है। ये चारों सबकी जान बचाने के लिए हाल ही में उसकी बात तो मान लेते हैं और उसके साथ व्हाइट टावर के लिए भी निकल जाते हैं। और पीछे हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी पिशाच की सेना इनके पीछे आ रही है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगले एपिसोड के लिए। और हाँ, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, और मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।